क्लास 10 की पाठ जैव प्रक्रम पर आधारित वर्कशीट नंबर 28 है। आपको इसे कल तक वापस भेजना है। 2 दिन का समय दिया गया है जिसमें आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझना है और दिए हुए प्रश्न हल करने हैं। और जब भी आप इसकी पिक खींचकर आंसर्स लिखने के बाद जो आप इसकी पिक क्लिक करते हैं उस पर आप अपना रोल नंबर, क्लास, वर्कशीट नंबर और फादर्स नेम ये डिटेल्स ज़रूर लिखा करें। कौन सी डेट की है, वर्कशीट नंबर क्या है, नेम, रोल नंबर एंड फादर्स नेम। आइए अब इस वर्कशीट को समझते हैं। आज हमने करना है जैव प्रक्रम पाठ का उत्सर्जन टॉपिक। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट यानी वेस्ट चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, ये पदार्थ कैसे बनते हैं? शरीर में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे पाचन अभिक्रिया या श्वसन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में बहुत सारे पदार्थ तो शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जैसे ऊर्जा बनना, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, यानी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं शरीर को, या फिर गैर जरूरी हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है। इसलिए इन्हें शरीर से निकालना जरूरी होता है। जो प्रक्रिया इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। अब 2 प्रकार के मुख्य रूप से जीव होते हैं, एक कोशिकीय जैसे कि अमीबा और बहुकोशिक जैसे कि हम। एक कोशिक का मतलब है कि उनके अंदर एक ही कोशिका है, और बहुकोशिक यानी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। एक कोशिक जीव एक कोशिका वाले परासरण विधि द्वारा उत्सर्जन प्रक्रिया करते हैं, और बहुकोशिक जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं वे विशेष अंगों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर जब शरीर के लिए उत्सर्जन का काम करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। इन परासरण विधि को अब हम, और ये जो विशेष अंगों से जो उत्सर्जन तंत्र बना है उसे हम अब डिटेल में जानेंगे। जो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि अमीबा, इनमें परासरण विधि द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थ अंदर बन चुके हैं, कोशिका के अंदर बने हुए हैं, बाहर इनकी मात्रा कम है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ चले जाएंगे। इन्हें सिर्फ एक कोशिका झिल्ली को ही क्रॉस करना है, इसे पार करना है। ये सिंपल सी जो प्रक्रिया है ये परासरण विधि कहलाती है। आपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा है। अपशिष्ट पदार्थों को सिर्फ कोशिका झिल्ली को पार करना है और वे बाहर हो जाएंगे। तंत्र का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखेंगे कि 2 वृक नजर आ रहे हैं आपको, 2 ये जो राजमा के दानों की तरह दिखाई दे रहे हैं, बायां वृक और दायां वृक। और ये जो 2 नलियां सी दिखाई दे रही हैं, एक थोड़ी सी हल्के गहरे रंग की है और एक हल्के रंग की है। जो हल्के रंग वाली दिखाई दे रही है और बाईं तरफ जा रही है ये है बाईं वृक धमनी। इसी तरह से जो इसकी शाखा दाईं तरफ जाएगी वो दाईं वृक धमनी होगी। वृक यानी कि किडनीज, 2 वृक होते हैं बाएं और दाएं। अगर आप इनकी लोकेशन के बारे में सोचें तो जो हमारी कमर का हिस्सा है उसमें पीछे की तरफ, यहाँ दिखाया भी हुआ है चित्र में, उसमें पीछे की तरफ फेफड़ों के नीचे ये 2 वृक होते हैं जिन्हें हम किडनीज भी कहते हैं। तो पहला जो उत्सर्जन तंत्र का अंग है वो है वृक, दाएं और बाएं 2 वृक होते हैं। दोनों से ही आपको ये एक नली सी निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो 2 नलियां हैं इन्हें कहा जाता है मूत्रवाहिनी। यहाँ पर बाई मूत्रवाहिनी को लेबल किया गया है, इसी तरह से दाई भी है। दाएं वृक्ष से निकलेगी दाई मूत्रवाहिनी, बाएं से निकलेगी बाई मूत्रवाहिनी। और उसके बाद आपको नीचे एक ये थोड़ा सा गुब्बारे की तरह एक गोल आकार की संरचना दिखाई दे रही है जिसे कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय में मूत्र जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और मूत्र मार्ग आप यहाँ देख रहे हैं, ये है जहाँ से मूत्र यानी कि यूरिन शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो वृक हैं, वृक का काम क्या है? मूत्र बनाना। मूत्र यानी कि जो शरीर में अतिरिक्त पानी होता है और जो यूरिया नाम का हानिकारक पदार्थ होता है, ये दोनों का मिश्रण ही मूत्र है। ये किडनीज यानी वृक में बनता है, दोनों वृक में बनता है, और मूत्र वाहिनी द्वारा ये मूत्राशय में ले आया जाता है। और मूत्राशय में लाने के बाद जहाँ पर जमा होता रहता है, जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और ये धमनी और शिराएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, धमनियां होती हैं जो हृदय से शरीर
जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर यानी ब्लड को लेकर के जाती हैं, ऑक्सीजन वाला साफ ब्लड। और शिराएं जो होती हैं ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट तक यानी हृदय तक वापस ले जाती हैं। तो किडनीज को भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो इन तक जो ब्लड आ रहा है हार्ट से आ रहा है वो धमनियाँ ला रही हैं, और यहाँ से जो ब्लड ये लेकर के जा रही हैं वो शिराएँ हैं। तो मुख्य रूप से उत्सर्जन तंत्र के चार अंग हैं, एक हैं वृक्क, दो दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों से ही नली आकार की मूत्र वाहिनियाँ, और जहाँ मूत्र इकट्ठा हो रहा है इन दोनों वाहिनियों से आता हुआ वो मूत्राशय, तीन नंबर पर, और ऐसे ही चार नंबर पर आपका ये चार नंबर पर मूत्र मार्ग है, पहले नंबर पर वृक्क हैं, दूसरे नंबर पर मूत्र वाहिनी है। वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये चार अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र जिसने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, उसका सबसे पहला अंग है वृक्क यानी किडनीज। ये मूत्र बनाते हैं, मूत्र यानी अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी। मूत्रवाहिनी क्या होता है? मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाने वाली नली। मूत्राशय है जहाँ मूत्र का भंडारण है, इकट्ठा होता रहेगा यहाँ पर, और जब ये पूरा भर जाता है तो मूत्र मार्ग द्वारा विसर्जित यानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब मूत्र क्या है? देखो बेटा, दोनों वृक्क में ब्लड आता है, और उस ब्लड में, ब्लड यानी रुधिर में यूरिया या यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, साथ ही जो एक्स्ट्रा पानी होता है जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है वो भी इसमें मिक्स हो जाता है, और तब बनता है मूत्र। तो ये जो चार अंग हैं ये मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, ये चारों मिल करके मूत्र बनाना और उसे बाहर निकालने का काम करते हैं। वृक्काणु की संरचना, वृक्काणु यानी वृक्क की संरचनात्मक इकाई, इसका डायग्राम जो बुक्स में दिया होता है वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन है एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आसान तरीके से अब बनाना सीखते हैं। देखिए, वृक्काणु का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी कि जो कोशिकाओं का गुच्छा है जहाँ पर कि एक्चुअली में मूत्र बनेगा, यूरिन बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो है बोमेंस कैप्सूल, ये हमारा बन गया बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल, जो कप आकार की संरचना होती है। इसके अंदर आप इस तरह से zigzag करके बना देंगे और ये हमारा बन जाएगा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ। और जो ये कप आकार दिखाई दे रही है संरचना, ये है हमारी ओमेन संपुट। अब इसके बाद वृक्काणु का नली आकार की संरचना शुरू होती है। तो पहले हम ना इसको सिंगल, ये अब वृक्काणु का नली वाला आकार की संरचना शुरू हो गई है। ये जो हमने ग्लोमेरुलस बनाया है वोमेन संपुट में, ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ में अब यहाँ से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा यानी छन जाएगा, उसमें सारा यूरिया, ग्लूकोज, प्रोटीन के जो सिंपल वाले कण होते हैं, अमीनो एसिड्स, पानी, ये सब चीज़ें ब्लड में से, रुधिर में से छन करके इस नली आकार की संरचना में आ जाएगी। यहाँ से एक तरह से ये अभी रॉ यूरिन बन गया, यूरिन का पहला जो हिस्सा है वो बन गया, और वो इस नली वाले आकार की संरचना में से बहने लगेगा, और ये जाकर के ज्वाइन हो जाएगी मूत्र वाहिनी। भी इसी तरह से मूत्र छन करके आएगा और इस मूत्र वाहिनी में इकट्ठा हो जाएगा। अब होता क्या है, ये जो निस्यंदन यानी कि छानने की प्रक्रिया के बाद, फिल्टर होने के बाद जो पदार्थ इस नली में से बह रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी चली गई हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को है, तो अब उन्हें वापस कैसे लिया जाता है? देखो बेटा, जब यहाँ पर ब्लड आया था, ये रुधिर आया था, तो
ये ला रही थी वृद्ध धमनी, इसी धमनी की एक शाखा जो है वो यहां पर आकर के इससे इसके चारों तरफ लिपट जाएगी। अभी हम इसको इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और बाद में हम इसमें से रब कर लेंगे कि कौन सा हिस्सा हमें इसका रब कर। अवशोषित कर लेगी जिनकी शरीर को आवश्यकता है, ये इसी वृद्ध धमनी का ही हिस्सा है। कौन कौन से पदार्थ कर लेगी? ग्लूकोज, अमीनो अमीन और जल, ये उस उन चीजों को वापस अवशोषित कर लेगी और फिर ये जाकर के हिस्सा बन जाएंगे शरीर के दूसरे ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। ये कहलाती है वृक्क शिरा। तो वृक्क धमनी जो है ये विकारों के नली वाले हिस्से के चारों तरफ लिपटेगी और उसमें से जो जरूरी पदार्थ है उन्हें अवशोषित कर लेगी और फिर उन्हें शिरा की तरफ भेज देगी और शिरा वापस इसे शरीर के दूसरे ब्लड का हिस्सा बना देगी। अब यहाँ से अब जो बाकी बचा, अब बाकी क्या बचा है जो कि इस मूत्र वाहिनी में चला जाएगा, वो बना मूत्र। असली में मूत्र जो है वो जल प्लस यूरिया। यूरिया शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, इन दोनों का मिश्रण ही मूत्र कहलाता है कि जो जिस चीज की जरूरत शरीर को नहीं है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, वो पदार्थ मूत्र है जिसे बनाया वृक्क ने। और वृक्क में अनगिनत वृकाणु होते हैं, कई लाखों वृकाणु होते हैं। इस तरह एक वृकाणु की संरचना आप आसान तरीके से बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि है एक कोशिक जीव किस प्रकार उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं? तो इसका आंसर आपके पास, आपको पता ही है कि परासरण विधि द्वारा ये उत्सर्जन प्रक्रिया करते हैं। बहुकोशिक जीवों में उत्सर्जन एक कोशिक जीवों से किस प्रकार भिन्न है? तो बहुकोशिकीय जीवों में स्पेशल अंग होते हैं, खास विशेष अंग होते हैं जो कि उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। अगर हम मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उसमें चार अंग हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। और जबकि एक कोशिकीय जीवों में क्या है, शरीर में है ही एक कोशिका, तो सिर्फ कोशिका झिल्ली को ही क्रॉस करना है, कोशिका झिल्ली को ही पार करना है अपशिष्ट पदार्थ के कण को। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, वृक्क की कार्यात्मक इकाई, वृक्क का काम क्या है? मूत्र बनाना, रुधिर में से छान लेना, अपशिष्ट पदार्थों को छान लेना। तो इसकी कार्यात्मक यानी कि कौन से वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, कौन कौन से छोटे छोटे इकाइयां हैं जिनसे मिलकर के वृक्क बना है, और जो पूरे वृक्क के लिए, पूरे किडनी के लिए ये छानने का, मूत्र बनाने का काम करती हैं, तो इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु, या फिर वृक्काणु। मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है? अब नेफ्रॉन के अंदर भी एक ऐसी संरचना है जो निस्यंदन यानी छानने का काम करती है, क्या नाम है उसका? कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस एक तरह से ये छलनी है जो वृक्काणों में होती है, यही एक्चुअली में मूत्र का निर्माण करती है। अब पांचवा क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए।
तो ये नामांकित चित्र आपकी इस वर्कशीट में दिया हुआ है, जिसे एक्सप्लेन भी किया गया था। तो ये पांचों क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आसान भी हैं, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र का चित्र तो एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आता है। वर्कशीट में दिए हुए क्वेश्चंस के अलावा भी आप बहुत सारे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें से कर सकते हैं, और ख़ास करके जो आप ये दो डायग्राम्स देख रहे हैं, जैसे कि ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है और दूसरा डायग्राम जो दिया हुआ है वृक्काणु का, ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हें वीडियो में आपको समझाया भी गया है कि इन्हें अच्छी तरह से कैसे ड्रॉ करना है और प्रॉपर लेबलिंग कैसे करनी है। जो चित्र बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत स्कोरिंग रहते हैं, आप दो तीन बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेबलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई भी चित्र बिना लेबलिंग के कंप्लीट नहीं होता, लेबलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उस पर ख़ास ध्यान देना है। तो ये वर्कशीट आप सबको क्लियर हो गई होगी, एंड गुड लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस को साथ साथ लर्न भी कीजिए।